एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल की अवतार के डिवाइन जस्टिस के ऊपर आज के मनुष्यों के द्वारा क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वास्तव में कल की अवतार किस प्रकार जस्टिस कर रहे हैं। कभी उन्हें लगता है कि वो पार्शियलिटी दिखला रहे हैं, और कभी उन्हें लगता है कि आज के युग में उनकी जस्टिस कहीं दिखलाई ही नहीं पड़ रही है। तभी तो इतना अधिक दंगा फसाद आज के युग में लगातार हर शहर में हो रहा है, चाहे भारत की बात हो या विदेश की, लेकिन दंगे का माहौल हर जगह है। तो कहाँ है कल के अवतार का न्याय? कल के अवतार के न्याय को समझने के लिए सबसे पहले अपनी बुद्धि पर जोर देना होगा, उन बातों को समझना होगा जो युगों युगों से चली आ रही हैं, और इस बात पर विश्वास करना होगा कि ईश्वर का न्याय प्राणी मात्र के लिए, हर जीव के मात्र के लिए एक समान होता है। कभी भी पार्शियलिटी किसी के साथ ना ईश्वर करते हैं ना ईश्वरीय अवतार करते हैं, क्योंकि हर किसी के साथ न्याय हो, यही वो करना चाहते हैं और करते भी हैं। भले ही उनके मकसद को लोग अपनी आँखों से देखकर ना समझ पाए। आज के मेरे वीडियो में मैं इसी बात पर आप लोगों तक अपना मत पहुँचाऊँगी कि किस प्रकार इम्पार्शियल होकर कल के अवतार अपने डिवाइन जस्टिस को कलयुग में कर रहे हैं। ना वो मेल के प्रति ज़्यादा फोकस्ड है, ना फीमेल के प्रति। यानी जब डिवाइन जस्टिस हो रही है इस धरती पर, वहाँ पर जेंडर को लेकर कोई मैटर नहीं है। यानी आत्मा जब किसी शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर या तो मेल का होता है या फीमेल का, या मेल फीमेल से अलग यानी थर्ड। तो जो जिस शरीर में आत्मा प्रवेश करती है उस शरीर का नाम उसे मिल जाता है, जबकि आत्मा की कोई जेंडर नहीं होती। यानी आत्मा को जिस शरीर में ईश्वर भेजते हैं, चाहे वो पुरुष का हो, चाहे स्त्री का या किसी और का, तो जिस शरीर में आत्मा प्रवेश करती है वैसी ही वो कहलाती है। अब कल की अवतार की डिवाइन जस्टिस जो होगी वो आत्मा के ऊपर होगी। यानी उस आत्मा ने उस शरीर में रहकर जो कर्म किए, उस कर्म का भुगतान उस आत्मा को चुकाना है, यानी उस शरीर को चुकाना है जब तक वो शरीर इस धरती पर है। यानी वो जीव जिस आत्मा को लेकर आया है इस धरती पर, आत्मा जिस प्रकार के जीव में प्रवेश की है, वो जीवात्मा अपनी जर्नी अपने कर्मों के अकॉर्डिंग ही डिवाइन जस्टिस को रिसीव करता है। यानी अगर गुड डीड्स किया तो उसको अच्छा फल मिलेगा, अगर बैड डीड्स किया तो उसको बुरे कर्मों का फल मिलेगा। इसमें ना कहीं स्त्री और ना कहीं पुरुष की बात होती है, लेकिन आज पुरुष वर्ग ये कहते हैं कि महिलाओं को ज़्यादा फेवरिज्म मिलता है, ईश्वर ज़्यादा फीमेल्स को सपोर्ट करते हैं, और लेडीज़ ये कहती हैं कि नहीं, मेल्स को ज़्यादा सपोर्ट कर दिया जाता है क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है और फीमेल्स को अनदेखा किया जाता है। तो दोनों वर्ग की, यानी मेल और फीमेल दोनों की लड़ाई जो सदियों से चली आ रही है, वो आज कहीं ज़्यादा मुहर उस पर लग गई है उस लड़ाई पर, और दोनों ही आपस में इस बात पर लड़ते हैं कि डिवाइन जो है, ईश्वरीय अवतार जो हैं, वो या तो मेल या तो फीमेल, दोनों में से किसी एक वर्ग को ही ज़्यादा फेवर देते हैं। जबकि बात यही है, सच्चाई जो मैंने आपको बताई कि जेंडर वाइज डिवाइन जस्टिस नहीं होता है, बल्कि आत्मा के ऊपर उनकी जस्टिस होती है, कर्मों के ऊपर, उस आत्मा ने शरीर में रहकर किस प्रकार के कर्म किए। अब मेरी बात को और अच्छी तरह समझाने के लिए कि वो फीमेल को हमेशा फेवर नहीं देंगे, बल्कि कर्म कैसे हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी जस्टिस को डिसाइड करेंगे। भले वो फीमेल हो या मेल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चार ऐसे
पात्र का अपने इतिहास में से, अपने जो रामायण है, महाभारत है, वहाँ से चार पात्रों को ऐसे आपके सामने रखूँगी जो कि फीमेल हैं और जिसके साथ कैसी जस्टिस भगवान ने की आप लोग भी देखेंगे। सबसे पहला नाम हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे वरदान प्राप्त था कि वो नहीं जलेगी, फिर भी चूँकि वो प्रह्लाद को जलाने के लिए बैठी थी, जो सही था, भगवान विष्णु का भक्त था, नेक कर्म के रास्ते पर चलता था, बहुत पवित्र आत्मा थी उसकी, लेकिन उसे जलाने का जब मन में विचार आया और उस विचार को उसने कार्य में परिवर्तित करना चाहा, उस मंशा से वो बैठ गई, तो जो वरदान अग्नि से न जलने का उसे मिला था, उसे ही भगवान विष्णु ने पलट दिया और वो जलकर खाक हो गई। तो होलिका फीमेल थी। पूरी रामायण में जो मेन राम जी का कैरेक्टर और राम जी का 14 साल का वनवास, वो कैकेयी और मंथरा के कारण हुआ। सबसे अहम रोल मंथरा, ना वो कैकेयी के कान भरती, ना कैकेयी की बुद्धि कुबुद्धि में परिवर्तित होती, ना दशरथ से वो वचन लेती और ना राम जी अपने पिता का वचन रखने की उस मर्यादा को रखने के लिए वनवास जाते। और इस प्रकार से मंथरा ने वो कुकृत्य किया और कैकेयी को भी अपनी कुबुद्धि के कारण आजीवन जिस मंशा को, जिस उद्देश्य को लेकर राम जी को उन्होंने भेजा कि अपने पुत्र भरत को वो राजा बनाए, उनकी मंशा भगवान ने पूरी नहीं होने दी। चरण पादुका खड़ाऊ रख कर भरत ने एक ऐसे श्रेष्ठ भ्राता की भूमिका निभाई कि राम जी के आने के बाद उनका ही राज्याभिषेक हुआ, सिंहासन पर राम जी ही बैठे और कैकेयी का नाम ऐसी सौतेली माता के रूप में अमर हो गया कि जब भी कोई माता की तुलना, सौतेली माता की तुलना या उनके जैसे शब्द लोगों की जुबान पर आते हैं तो माता कैकेयी का नाम लोग लेते हैं। और दासी के रूप में मंथरा ने ऐसा कुकृत्य किया कि आज भी लोग कहते हैं कि किसी की बात में आकर अपनी बुद्धि को भ्रष्ट मत करो। तो ये तीन नाम लिए मैंने और अब चौथा नाम एक ऐसा नाम जिन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों में इसलिए अमर कर दिया क्योंकि वो भी रावण से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसका नाम हमेशा नहीं लिया जाता। लेकिन जब जब रामायण लोग पढ़ते हैं, रामायण को लोग याद करते हैं, रामायण की पूरी पटकथा लोग अपने दिमाग में लाते हैं तो सुपर्णरेखा का नाम भी लोग याद करना नहीं भूलते। सुपर्णरेखा यानी रावण की बहन। सुपर्णरेखा अगर नहीं होती तो रावण से बदला और राम और रावण का युद्ध, सीता हरण कहते हैं, ये सब कुछ नहीं होता। उसी ने रावण से अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए राम जी पर वो इतनी मोहित हो गई थी। राम जी चूँकि पत्नीव्रता थे, सीता के अलावा वो किसी और से शादी नहीं कर सकते थे, तो लक्ष्मण जी के पास सुपर्णरेखा को भेजा। लक्ष्मण जी ने जब देखा, पहले मना कर दिया, लेकिन जब सुपर्णरेखा ने सीता पर हमला किया तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि गुस्से में आकर उन्होंने सुपर्णरेखा की नाक ही काट डाली। तो ये चारों फीमेल ऐसे, होलिका, सुपर्णरेखा, माता कैकेयी और मंथरा, क्या इनके साथ ईश्वरीय अवतार ने कुछ भी ऐसा रिवॉर्ड इनको दे दिया? क्या इनके साथ इनके कर्मों का भुगतान नहीं हुआ? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि फीमेल को छोड़ दिया जाता है, फीमेल को इमॉर्टिलिटी दी जाएगी और फीमेल्स को ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, उनको ज़्यादा कल्कि अवतार के डिवाइन जस्टिस में फेवर मिल जाएगा? अब इन उदाहरणों के द्वारा मैंने आपके सामने अपनी बात रख दी कि कल्कि अवतार के डिवाइन जस्टिस में जीव मात्र, हर एक जीव
एक समान हैं। हाँ, उनके कर्म अलग अलग हैं और कर्मों के अकॉर्डिंग ही उन्हें अपने कर्मों का नतीजा भुगतना पड़ेगा, और वो भी इसी जन्म में, क्योंकि यही कलयुग है, अंतिम युग है, कल की अवतार अंतिम अवतार, और उनका फैसला इस धरती पर अंतिम फैसला। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।